आते हैं तो क्यों ही यहाँ पे पहुंच महबूब लीडर रमन भल्ला जी आपके बीच में है और एक एक करके जो भी लोग त्योहार बनाना चाहते हैं त्योहार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तुम्हारे गांव की मिट्टी लगी है पैरों को, हमारे गांव के रस्ते खुशी से भाग रहे हैं। आज जब आप 2019 के महीने घंटे में तकलीफ फरमा है और आपके वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए हम प्रोग्राम की तवारीख को भी कम करता है और देश को बचाने की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 1885 से लेकर आज तक की कांग्रेस लड़ती है। जब 11 तारीख को आप लोग वोट डालने जाएंगे तो आप ये सोच कर वोट डालिए कि पहलू खान चुनाव बिहार जैसे तस्वीर आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है उसके हक में वोट डालिए। और जब आप वोट डालने जाएंगे तो राजौरी के 60 साल ला दिया गया था और बिलखसूस जब आप वोट डालने जाएंगे तो दफा 370 इकतदार में आएगी। ये बात मैंने आवाज से कही। अब्दुल भल्ला साहब आपकी तरफ आपकी मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि मैं दिल्ली में बैठ के बार बार ये कोशिश करता रहा कि कहीं ना कहीं जनाब को लोकसभा में देखूंगा। गलती से कभी कैमरा भी उनके है हमारे यहाँ पे जो लगे आएंगे बहुत कम है लेकिन वो अपने बात आपके सामने रखेंगे। तो मैं सब हमारे यहाँ पे मौजूद है एक बेबाक मुकर्रर श्रमया अतीत का मेरे उन्हें लकब दे रखा है जनाब फारूक खान साहब। मैं उनसे बोलता हूँ जनाब फारूक खान साहब जो तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ 2014 में जलसा करवाया था बड़े अफसोस के साथ आज उनको इस मंदिर की सरसमी से ये टकर देना बड़े अफसोस की बात है। 2014 में मंदिर की आपने मुड़ के इस इलाके की तरफ नहीं देखा। बहरहाल मैं आज इतने पैगाम आपको देना चाहूंगा आज कोई बात नहीं है जिन्होंने रमन भल्ला जी का रमन भल्ला नाम रखा इनका कर भी भला कर रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं मेरे जज्बात कि मैं यहां आकर इनके लिए कुछ बोल सकूं। गुज़िश्ता महीने फरवरी में जब हालात खराब हुए जम्मू में दबे हुए बार जम्मू में फंसा हुआ था और मैं मुबारकबादी दूंगा रमन भल्ला जी को इनके लोगों ने हमारे घर में। और इस बार अगर देखा जाए माना जाए तो मैं महसूस करता हूँ रमन भल्ला जी की शख्सियत कोई कम शख्सियत नहीं है इनका काम ही बड़ा करना है। मैं सलूट करता हूँ इनके लोगों को वहां जम्मू में जो इनकी कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं उन्होंने जितनी हमारी मदद की हमारे पास बाल फाजी नहीं किया शुक्रिया ने भी गुजारिश की। यहाँ पर हमें छोटी सी मीटिंग मिली यहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ा रहा वो समस्या। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा देर हाल में रहते हुए सिर्फ दो दो मिनट वैसे दो कर दिया गया है के साथ आए हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब चौधरी रशीद साहब चौधरी तालब साहब और जितने भी हमारे बाकी मतलब फारूक खान साहब और जितने मंडी की बागयूर आया हूँ आवाम जो यहाँ पे बैठी है सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। ये बड़ा मतलब ऐन वक्त है कि जैसे फारूक खान साहब ने कहा कि इस वक्त वोट जो है वोट इंसानियत को देना है वोट इस चीज को देना है कि जहाँ एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो महफूज नहीं है जहाँ एक आम आदमी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। हमने सब ने मिलकर इस बार वोट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट जो है हमारे यहाँ पे रमन भल्ला जी इनको वोट देना है। और ये है कि इंसानियत बाकी जो पिछले 60 या 70 हिंदुस्तान की जो खिदमत की है इस मुल्क की वो मुल्क बाए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि 11 तारीख को एक ऐसा फैसला किया जाए जो सारा का सारा पूरे मुल्क में इस बार इंशाल्लाह इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत बनने वाली है और आने वाला वज़ीर आज़म जो है हिंदुस्तान का वो इंशाल्लाह राहुल गांधी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक मंजूर साहब। अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ जनाब चौधरी तालिब हुसैन साहब से। आप रिटायर्ड डीएसपी हैं जब बात करते हैं तो आवाम है कि आप अपने ख्याल का इजहार करें। फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस
और बाकी पार्टियों के मोहसर अराकीन, आपको ये जानकर खुशी होगी उसमें फारूक साहब हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब हूँ, हमारे दो बड़ी शख्सियतों का फैसला है। वाला साहब के आंखों में हाथ के निशान पर मोहर लगाएंगे तो ये दिल्ली की फिरकर पसंद आखिरों की हार होगी। और ये एंट्री है कि आप आए और अपने ख्याल से समीर को महसूस करें। जनाब ख्वाजा अमीर दिल साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कारी साहब एहतराम, वजीर अकबर रमन भल्ला साहब, हमारे मेहमान दोस्तों जी अब्दुल गनी साहब, चौधरी रशीद साहब, जनाब कारी साहब, जनाब सदूर साहबान और मेरे आजी माने निशिस्त के सामीन, आप कोई जानकर खुशी होगी कि रमन भल्ला साहब जरूर जम्मू जाते हैं, कोई भी काम इनके पास हो, इन्होंने कभी किसी को ना नहीं किया, इनकी शख्सियत ऐसी है काम किया। हजरत इस दफा जो है इस नशिस्त के लिए चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो पीडीपी है, पार्लियामेंट को खेलना है और ये सब ये किसकी कामयाबी है? ये कामयाबी जो है ये सेकुलरिज्म की कामयाबी है, ये एनसी की कामयाबी है, ये पीडीपी की कामयाबी है, ये कांग्रेस की कामयाबी है, ये मुश्तर का कामयाबी है। मैं आपसे गुजारिश करूँ की आपने मुश्तर तौर पर जो है अपना वोट जो है कांग्रेस के निशान हाथ पर लगा कर जो है भल्ला साहब को कामयाब करना है। हम हमारा इस वक्त जो जंग है वो किसके साथ है? मिस्टर का उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जनाब सबका वजीर वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनाब रमंडी और लोरन के ब्लॉक सदर साहिबान, यहाँ भल्ला साहब के साथ जितने साथी आए हुए हैं मंडी के बाबूर आवाम, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है कि इलेक्शन पिछले 70 साल से हम लड़वाते रहे, वोट देते रहे और मेंबर पार्लियामेंट के लिए खासकर एक रस्मी तौर पे हम वो रवाज अदा करते, जो भी मेंबर पार्लियामेंट बनाया वो वापस मिलेगा नहीं। लेकिन आज हमें इसलिए खुशी है कि कांग्रेस जमात ने हमें वो हीरा दिया जिसने रियासत जम्मू कश्मीर की 87 हलकों के अंदर सबसे अगर कोई तरक्की वाला हलका है जहाँ डेवलपमेंट हुई है वो गांधी नगर है, और उस गांधी नगर का सबका जो एमएलए है वो आज हमारा उम्मीदवार है। हमें इसलिए भी खुशी है और आज कांग्रेस के वर्कर नहीं बल्कि तमाम जमातें जो सपोर्ट कर रही हैं उनके वर्करों का सर ऊंचा इसलिए है कि कल आवाम से हमें माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। जब हमारा यहाँ एमपी जीत के जाएगा वो 5 साल के बाद नहीं मुंह दिखाएगा, बल्कि भल्ला साहब का रिश्ता इस पुंछ के साथ ऐसा है कि 6 महीने में इनके 2 दौरे जरूर पुंछ होते हैं और आगे जब हमारी नुमाइंदगी करेंगे तो साल में ये 12 चक्कर जरूर लगाएंगे, ये हमें पूरी तवक्का है। बाकी मेरे मोहसिन साथियों, मंडी के बागयूर आवाम ने हमेशा अमन भाईचारा को प्रायोरिटी दी है। यहाँ जब यात्रा होती है ख्वाह मुल्क के अंदर कितने हालात कशीदा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मंडी वालों ने सेकुलरिज्म का मुजाहरा किया है और आज उस सेकुलरिज्म को देखते हुए हिंदुस्तान की बुनियाद और लोगों के मकान डैमेज हो रहे हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, लेकिन किस गांव में उसकी जरूरत नहीं है। आज वक्त की अहम जरूरत है, आपको इस पर गौर फिक्र करना है मेरे भाइयों कि अगर नेशनल कांग्रेस पीडीपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है तो वो क्यों कर रही है, इस पर आपने सोचना है। आज वो पार्टियां अपनी अपनी जगह मजबूत थी लेकिन आज जब देखा कि हिंदुस्तान को कि जुमरा आप बताओ किसी के अकाउंट में आया? आज गैस सिलेंडर जो 394 रुपए में 2014 में बिकता था आज भाई हमारे नौजवान बदकिस्मती देखो हमारी, पहले हमारे पास पढ़े हुए नहीं होते थे, आज एमबीए और पीएचडी लड़के किए हुए एसपीओ की भर्ती के लिए हमारे लगाए, पिछले 5 साल में कई नौकरियों का नामो निशान नहीं दिया, हमारे हर जगह हर हकूक पर डाका डाला है। इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोगों ने जो 11 तारीख को वोट डालना है वो ये समझना है
कि रमन भला को हम अपनी पंचायत का और मेंबर चुन रहे हैं जिसके लिए हम 90% वोटिंग करते थे, वो सरपंच चुन रहे हैं जिसके लिए 90% वोटिंग होती थी, वो एमएलए चुन रहे हैं जो हम ये समझे ये मेरी जमात का है, दूसरा का समझा मेरी का, उसके लिए हमें घरों में लड़ाइयाँ होती है। आज उस तरह पार्लियामेंट का वोट देना है, जो साथी इसके लिए मेहनत करेंगे वो हाथ उठा के कराए। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए चेल पे आए क्योंकि अभी इनका सुनकोट प्रोग्राम है, फिर थना मंडी है और दलाल में है, वक्त की किल्लत है इसलिए, और इसी बहाने बाबा उदा प्रताप के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ कि मैं की मसाल यहाँ पे है। मेरे सारे नेताओं ने तकरीरें यहाँ पे की, हर तकरीर में उन्होंने अपने भाषण में मेरी हौसला अफजाई की। मैं सारे नेताओं का दिल की तराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि किस मरले पे हम चुनाव यहाँ पे लड़ने के लिए जा रहे हैं और इस चुनाव की अहमियत क्या है, किन मुल्क में जात पात के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। अगर काम नहीं करेगी तो मजबूत गुजरात पर आगे अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए सत्ता तक पहुंचना चाहती है। इसलिए बातें तो सारे साथियों ने की, ज्यादा एक एक लफ्ज जो इनके भाषण थे वही मेरे जज्बात भी है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी तरफ से आपको अपील करता हूँ 11 तारीख को अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और आज जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा कि मैं सांझे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा हूँ। बड़ी बड़ी पार्टियों ने, नेशनल कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट पीछे कर लिया और हालात को देखते हुए हमारा समर्थन किया। दूसरी पीडीपी पार्टी का आज भी मैदान में खड़ा नहीं, तो ये दर्शाता है कि कितनी सीरियसनेस है, कितनी दिलचस्पी ये गठबंधन वाले ले रहे हैं कि उन ताकतों का, उन फिरका प्लस रूपी नागों का फंड कैसे दबा सके। फंड अगर दबेगा उसका नजरिया चुनाव में वोटिंग मशीन में वो बटन दबा के हम उसके फंड को दबा सकते हैं, सियासी से तौर पे सत्ता से ताकतों को बाहर कर सकते हैं जो आज के हुक्मरान है। कई साथियों ने अपने अपने तरीके से उसका जिक्र किया, आप लोग भी 4 साल से उनका मंत्री भी बैठा हो तो फिर यहाँ के लोग डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सिलसिले में महरूम रह जाए तो कसूर उनका है जिनको ताकत था, काम नहीं कर सके। कलम का सही फायदा कि जब आप वोट डालेंगे आप जरूर महसूस करेंगे उस वोट के जरिए एक फोर्स का गोला होगा जो 35 से 370 की प्रोटेक्शन के लिए होगा। इसमें वोट में बड़ा दम है, ये जमहूरियत का तकाजा है। जब हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से झगड़ा हुआ था तमाम वोट के लोग इकट्ठा हो गए, वो महात्मा गांधी की सोच थी, तो फिर समय यहाँ पे है। आज इनको अंग्रेजों को बाहर निकालने की जरूरत नहीं, आज उन ताकतों को बाहर निकालने की जरूरत है जिसके माध्यम से आप इकट्ठा हो गए कि जहर बोलने वाली ताकतें उनको बाहर निकालेंगे, इंसानियत जिंदा होगी और इंसानियत को जिंदा करने के लिए हमें कुछ कदम आगे बढ़ना होगा और फिर दोबारा कांग्रेस का चिन्ह लगाना होगा जो भाईचारे के नाम पे आप लोगों से समर्थन लेने के लिए यहाँ पे पूरी ताकत यहाँ पे उपयोग करें। छोटे से अरसे में बड़े दिन पहले का प्रोग्राम नहीं था, रात को ही हुआ कि हम कुटापरनाथ से होते हुए आगे जाएंगे, डेरा डाली साहब हो गया है कुटापरनाथ के प्रसाद शरीफ, तो क्यों नहीं 11 तारीख के वाले दिन अपना और पूरे परिवार के समेत, ये ना दो लोग घर में रहे तो दो लोग वोट डालने जाए, जनाब सारे जा रहे हैं हम सोए रहे, तो फिर वो ताकतों को अगर मौका मिल गया तो फिर मैं समझता हूँ कि इस बार फिर उसका मुकाबला लोगों को करना पड़ेगा। जम्मू से पूंछ तक रेलवे लाइन की बातें करें, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पर बतौर मिनिस्टर भी रहे हमने कहीं ना कहीं छाप छोड़ी है, चाहे मंडी में तहसीलों को देखें, मंडी में तहसील की मांग है और जम्मू कश्मीर की 6 सीटें राहुल गांधी को हाथ मजबूत करने के लिए और मोदी सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। इन्हें बाजार आप सब साथियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किस नजरियात से देखेंगे ये? बहुत अच्छा इनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला, सब बरादरी के लोगों ने मन बनाया कि इस बार वो ताकतों
वो सेकुलरिज्म की से संबंधित फोर्सेस को मजबूत यहाँ पे कर पाएंगे। इन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की, मैं दिल की गहराइयों से तमाम आवाम के साथ साथ खसूसी तौर पे पूंछ और रजौरी के आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने हौसला अफजाई की और हमें पूरा अपना भरोसा यहाँ पे दिया कि वो 11 तारीख में भरपूर सहयोग यहाँ पे देंगे, समर्थन हमें देंगे ताकि हम राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर पाए ताकि हिंदुस्तान में सत्ता का परिवर्तन हो पाए। क्योंकि वो अपने बलबूते पे जीते नहीं, वो किसी के नाम पे जीते। हम जमीनी सतह के वर्कर हैं और वर्कर से जुड़ के रहते हैं, उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं, हम उनकी परेशानियों को समझते हैं, यही लोग हैं हमें बनाने वाले। तो जिस ढंग से भाजपा वाले लोग किसी के नाम पे जीते हैं, अपने में दम नहीं, इसलिए मैं महसूस करता हूँ, इनको यकीन दिलाता हूँ, जो वो लोग कर गए कांग्रेस में, कल्चर में और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कांग्रेस ने विकास करके दिखाया, डोर स्टेप पे सर्विस दी हर एक जगह पे, तहसील हेडक्वार्टर और मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना, ये दर्शाता था कि हम डोर स्टेप पे लोगों की मदद करना चाहते थे, हमने करके दिखाया। इसी रास्ते पर हम लोगों की मुश्किलों का समाधान कर पाए, मैं समझता हूँ अच्छे ढंग से सेवा कर पाएगी।